नरसंहार मामले में पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने हत्या में शामिल 8 लोगों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार लोगों से पूछताछ के दौरान पता चला कि अंधविश्वास के कारण एक ही परिवार के 5 लोगों को मौत के घाट उतार दिया गया। मृतकों में 5 वर्ष का बच्चा भी शामिल है। बताया जा रहा है कि बुरू हाथू आम टोली गांव से पीछे कुछ महीनों में कई लोगों से अकस्मात मौत हो गई थी। लोगों को इन मौतों के पीछे मृतक निकोदन टोपनो और उसकी पत्नी जोसफीना टोपनो का हाथ लगा। इसी बीच गांव के कुछ लोगों ने बैठक कर इन्हें समाप्त करने की योजना बनाई और फिर घटना को अंजाम दिया। तारीख सुबह एक खबर प्राप्त हुआ था कि कामधारा थाना अंतर्गत आमटोली में एक परिवार के 5 आदमी को धारदार हथियार से हत्या किया है। 5 आदमी का अपने घर पे हत्या करके पड़ा हुआ था। तो इस केस का खुलासा के लिए इसमें हम लोग थाना में 13-21 FIR। हमारे साथ हमारे सहयोगी अजीत जुड़ चुके हैं गुमला से। अजीत, पिछले कुछ दिनों एक ही परिवार के 5 सदस्यों की निर्मम हत्या कर दी गई थी, इसमें आज पुलिस ने लोगों को गिरफ्तार भी किया है, और आप बताइए क्या कुछ है मामला। आखिर ये अंधविश्वास पर लोगों को मार दिया गया जिसमें पूरे गांव ने यह फैसला लिया था, इसमें 8 लोगों की गिरफ्तारी हुई है, और बाकी लोगों में क्या अपडेट है? बता दूं कि सामदारा थाना अंतर्गत बुरू हाथू आम टोली में पिछले दिनों नरसंहार की घटना हुई थी, जिसमें 5 लोग की हत्या निर्मम कर दी गई थी। उसी घटना में पुलिस ने अभी फिलहाल 8 लोग को गिरफ्तार किया है, और बाकी के जो लोग हैं जो इस घटना में शामिल है अभी वो फरार चल रहे हैं, अभी उनकी गिरफ्तारी नहीं हुई है यहाँ पे। वहीं पर घटना की अगर हम बात करें तो जिस तरह से सरकार और प्रशासन यह दावा करती है कि अंधविश्वास खत्म हो गया है और लोग पूरे गांव का लोग जागरूक हो चुके हैं, अंधविश्वास के प्रति पूरे जागरूक हैं लोग, लेकिन इस तरह का जो सवाल और जो आ रही है सामने ये कहीं ना कहीं उन्हें धरातल पर नहीं है, जिसमें अभी ये जो घटना जो घटी है 8 लोग मिल करके पूरे एक ही परिवार के 5 लोग की निर्मम हत्या किया गया है। इस घटना से कहीं न कहीं मैंने प्रशासनिक तंत्र पर सवाल खड़ा होता है, और पुलिस जो है उनकी जो कार्यशैली है उस पर भी सवाल खड़ा होता है, कि क्योंकि जो पूर्व में एक दिन पूर्व पूरी प्लान किया गया है इस तरह की घटना को लेकर के, हत्या की घटना को लेकर के, लेकिन पुलिस को भनक तक नहीं लगी और यह घटना भी हो गई है, तो ये बड़ा सवाल है आखिर प्रशासन से कहां पर चूक हुई है। जी मैम अजीत, एक सवाल यहां पर ये उठता है कि झारखंड में इस तरह की घटनाएं जो है कोई नई बात नहीं है। झारखंड में अक्सर अंधविश्वास के नाम पर किसी बेटे के जरिए माँ की हत्या कर दी जाती है, या फिर पूरे परिवार की हत्या कर दी जाती है, किसी को जिंदा जला दिया जाता है। ये कोई पहली घटना नहीं है, और हमेशा झारखंड में 24 ज़िले हैं और लगभग 2400 ज़िलों से जो सुदूर ग्रामीण इलाके हैं वहाँ से इस तरह की खबरें अक्सर गाहे बगाहे आती रहती हैं। सरकार जागरूकता को लेकर, अंधविश्वास के प्रति जागरूक करने को लेकर लाखों रुपए करोड़ों रुपए का फंड होता है, देती है, लेकिन वो फंड कहाँ जाता है, किस तरह से जागरूक कर रहे हैं इसका पता नहीं चल पाता है। इस बारे में कोई अधिकारियों से आपकी बात हुई, पहला सवाल। दूसरा सवाल ये है मेरा कि क्या जिस तरह से ये घटना घटी, और आपने भी बताया कि एक दिन पहले एक दिन पूर्व ये प्लानिंग हुई थी, गांव में एक बड़ी बैठक हुई थी और उसके बाद हत्या करने की बात आई थी, और एक बात और छनके जो उसमें आ रही है जो खबरों के जरिए हमें पता चला है कि उन जो पति पत्नी थे उनकी हत्या करने की बात सामने आई थी कि उनकी वजह से गांव में कुछ लोगों की मौत हो रही है, और इस अंधविश्वास में उनकी हत्या करने की बात आई थी, लेकिन जब घर में और 3 लोग थे जो उनके बेटा, उनकी बहू और छोटा 5 वर्षीय पोता उनका था, उसको देख उनको भी उन लोगों ने नहीं बख्शा,
होता तो ये कहीं ना कहीं सिर्फ अंधविश्वास को लेकर इस तरह की निर्मम हत्याकांड को अंजाम देना, जघन्य हत्याकांड को अंजाम देना, ये समाज के लिए भी एक बहुत बड़ा बड़ा सवाल है। जी अजीत जी बता दूं कि यहाँ पे जो सरकार और प्रशासन के जो दावे हैं वो बिल्कुल अंधविश्वास को लेकर के पूरा फेल है। और यहाँ पे जितने भी वो प्रशासन और जो सरकार दावा कर रही है कि हर गांव में, हर पंचायत में, हर जगह में अंधविश्वास को लेकर के जागरूकता फैलाई जा रही है, लोगों को जागरूक किया जा रहा है, लेकिन अब तक यह घटना जो घटना हुई है, इस घटना से यह साफ स्पष्ट हो चुका है कि जैसे अभी भी लोग जागरूक नहीं हो पाए हैं, यानी कि जो सरकार और प्रशासन के जो तंत्र है, जागरूकता जो अभियान है वो उन तक नहीं पहुंच पा रहे हैं, जिसको लेकर के लोग जागरूक नहीं हो पाए हैं। और जो अभी जो घटना घटी है ये पूर्ण रूप से प्रमाण है कि जो लोग कितने जागरूक हैं, ये कई सवाल खड़े हो रहे हैं इससे। रांची से बिल्कुल सटा हुआ जिला है गुमला, जो है बहुत ही नज़दीक है वहाँ से, और वहाँ से सटा हुआ जिला है गुमला, जहाँ पर इस तरह की बैठक होती है, चौकीदारों की नियुक्ति की जाती है, होमगार्ड के जवानों की नियुक्ति की जाती है विभिन्न गांव में तमाम, क्योंकि वहाँ से हर तरह की खबरें जो है वो छन कर आती रहें, कहीं ना कहीं पुलिस तंत्र पर ये सवाल ज़रूर खड़े रहे। बहुत बहुत शुक्रिया अजीत तमाम जानकारी देने के लिए और तमाम बातचीत के लिए। तो हमारे सहयोगी अजीत बता रहे थे कि किस तरह नरसंहार गुमला में जो बीते दिनों नरसंहार हुआ था उसको उसका खुलासा हुआ है, और गांव के ही लोगों ने बैठक कर अंधविश्वास की वजह से इस पूरे परिवार का खात्मा कर दिया।